नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती है। वहीं जीत के बाद प्रत्याशियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जीत की खुशी भी जाहिर की है। अलीगढ़, बहराइच, चंदौली, प्रतापगढ़, रायबरेली, संभल सभी जगह से जीत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुशी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली, जिसमें सपा के खाते में 111 सीटें गई हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जिसके बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 273 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती हैं और सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीती शाम से ही लगातार लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, होली खेलते, खुशियां मनाते, मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़, बहराइच, चंदौली, प्रतापगढ़, रायबरेली, संभल तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से बुलडोजर, रंग, मिठाई, इन सबके साथ जश्न मनाया जा रहा है। नाचते गाते दिख रहे कार्यकर्ता, कार्यकर्तियों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कराई है, इतिहास रच दिया है। नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारी पार्टी की नीतियाँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता जो रात दिन प्रत्याशी को अपना परिवार का सदस्य मान करके चुनाव लड़ाते हैं, ये उसका परिणाम है। और प्रदेश की जनता का जो पूरा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भरोसा है, वो भरोसा कायम रहा। और विशेष रूप से बुंदेलखंड की मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड पर विशेष विश्वास किया और बुंदेलखंड के लोग बात के धनी होते हैं और एहसान चुकाना जानते हैं और उनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बुंदेलखंड के कोई भी लोग हों, क्या उन्होंने पिछले चुनाव में 14 में चारों सांसद बना करके भेजे थे, 17 में 19 विधायक बना के भेजे, 19 में फिर चारों विधायक बना के भेजे, तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए खजाना खोल रखा है। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे केन बेतवा हो, चाहे जितनी भी हमारी सिंचाई परियोजनाएं हो, सब बड़े अच्छे प्रकार से काम चल रहा था। और आज बुंदेलखंड की जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश की भांति पूरा विश्वास प्रकट किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ जितने भी मिथक थे सबको तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अपनी सैयद राजा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों पर और मोदी जी के कार्यों पर जो समर्थन दिया है वो भी ऐतिहासिक समर्थन है। और सैयद राजा की जनता को विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार फिर मुझे मौका सेवा करने का दिया है। जरूर कुछ हमारी कमियाँ रही होंगी कि जो हमें उम्मीद थी वो नहीं हुआ, लेकिन जनता का आशीर्वाद है, जरूर जो हमारे संकल्प है उस पर आगे हम काम करेंगे। बहुत खुशी है और जिस प्रकार से जनता ने उम्मीदों पे हम पे भरोसा किया है उसी ले, और मैं अभी हमारी उम्र कम है, 25 साल है, लेकिन जिस प्रकार से भरोसा किया उस भरोसे में कायम रहूँगा और जनता भी रहने का काम करूँगा। देखिए, जनता जिस प्रकार से 5 साल पीड़ित रही, अपने नेता से मिल नहीं पाई, अपने बीच काम करा नहीं पाई, उस चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ। मैं जिस प्रकार से पापा हमारे 2 बार विधायक रहे, जनता के बीच रहने का काम हमेशा करते थे, जब भी कोई काम पड़ता था कोई भी आदमी आसानी से आके मिल सकता था, तो मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ राहुल लोधी कभी भी जब आप चाहोगे हमेशा राहुल लोधी आसानी से मिल लेगा, हाथ पकड़ के काम करा सकती है जनता। सकल डीहा की जनता जिन्होंने मतदान दिया है सूर्यमणि तिवारी जी को, उसका हृदय से आभार है और आगे हम लोग और परिश्रम सकल डीहा की जनता की सेवा के लिए करेंगे ताकि भविष्य में सकल डीहा की जनता अपना आशीर्वाद दे। आप सही नहीं बता रहे, अखिलेश 400 पार, 403 में 400 ये दावा कर रहे थे, अखिलेश बचपना में दावा कर रहे थे, कपोल कल्पना में दावा कर रहे थे, उनको भाजपा का नारा ध्यान से उन्होंने पढ़ा नहीं, सोच ईमानदार काम दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार। योगी ने ऐसा किया, मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी से यूपी की जनता का डायरेक्ट कनेक्ट, योगी जी की कर्मठता, इसने अखिलेश सहित सभी विपक्षियों के दावे को ध्वस्त कर दिए।
और मोदी मैजिक उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड सब में कायम, और योगी की कर्मठता उत्तर प्रदेश में उसमें सोने में सुहागा, यह है जीत का आधार। ये उत्तर प्रदेश की जीत है, उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की जीत है, उस विश्वास की जीत है जो लोग ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य हो। मोदी जी के कामों पर लोगों का भरोसा, योगी जी का जो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प था वो धरातल पर जो दिखाई दिया, आज लोगों ने ये महसूस किया कि सुरक्षा सबसे पहले, इसलिए आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक इतिहास रचने का काम किया है योगी जी के नेतृत्व में। ये जीत हमारे बेवटोल कार्यकर्ताओं की है, ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये जीत हमारे राष्ट्र की है। ये इसमें सबसे बड़ी बात थी कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई थी, इसमें एक तरफ गुंडा राज था और एक तरफ न्याय कानून का राज था। यहाँ एक तरफ लूट और खसोट की मांग थी, एक तरफ हमारे गरीबों के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों की हर आपूर्ति की वो थी। इसमें हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमारी दोनों सीटों पर विजय श्री दिलाई। मैं अपने हृदय से अपनी पूरी जनता को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना, लूटवाद को, परिवारवाद को नहीं चुना। बहुत संघर्ष की जीत थी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मड़ियाहों की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और दोनों संगठन के लोग मिलकर के इतना बढ़िया सामंजस्य से काम किए कि ये जीत सुनिश्चित हो सकी। जीतने के बाद मड़ियाहों का चतुर्दिक विकास ही मेरी प्लानिंग है। जनता ने मुझे मौका दे दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, और मैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए आई हूँ, जो कि मेरी प्रथम प्रायोरिटी है। मैं हेल्थ सेक्टर पे मैक्सिमम काम करने वाली हूँ, जितने हम कैंपेन्स लगा सकते हैं यहाँ पे मैं वो कोशिश करूँगी, चाहे वो आई विभाग से रिलेटेड हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, वृद्धों के लिए हो, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। और काफ़ी हम विकास के जितने भी माध्यम रहेंगे उसके थ्रू हम मछली शहर में काम करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी मीडिया के सभी साथियों से कहा था कि यह बदलापुर का चुनाव, बदलापुर का विकास लड़ रहा है, मोदी योगी का काम लड़ रहा है, और यह चुनाव बदलापुर का जनता लड़ रहा है। आपने देखा होगा, ऐसा कोई बूथ नहीं था जिस बूथ पर मैंने लड़ाई न लड़ी हो। हर बूथ पर हमने चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बदलापुर की एक एक जनता ने यह चुनाव लड़ा। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है चुनाव जीते हैं। अब फर्क पड़ा नहीं, फर्क रहा बाद में हम मिलेंगे तो हम बता देंगे कहाँ कहाँ फर्क पड़ा, इतना डिटेल्स कैसे बताएं, जो है वो लंबी सूची है, हराने वाले को लंबी फिरस्त है, कहाँ 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 कहाँ, आप अकेले मिलिएगा, चाबी पिलाएंगे, बताएंगे। अखिलेश भैया तूफानी सर, 10,000 की बढ़त थी, आप लोग तो देख ही रहे हैं, विरोध हो रहा था, आप लोग भी निकाल रहे थे, चैनल भी चला रहे थे, जो है तो विरोध करने वाले विरोध कर भी रहे, कराए और लास्ट तक किए, लास्ट तक किया विरोध लोगों ने, लेकिन आप सबके सहयोग से जनता के कार्यकर्ताओं के हौसला ने चुनाव जिताने का। जीत किसने किसको देते हैं? मलनी की महान जनता की जीत हुई है, और मेरा जो अनुमान था कि अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती हमारे यहाँ तो निश्चित मेरा अंतर 50,000 के ऊपर होता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों नहीं लड़ पाई, इसलिए हमारा जीत का अंतर कम हुआ। टिकट लगाई है, इसके बाद इसके पहले 3 हैट्रिक रामपुर खास ने और मेरे पिता ने लगा चुके हैं, तो ये रामपुर खास इसीलिए खास है। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत रामपुर खास के कार्यकर्ताओं की जीत है, रामपुर खास की जनता की जीत है, और रामपुर खास के कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं ये अपनी ये जो सर्टिफिकेट है, ये जीत है, ये रामपुर खास को समर्पित है। अलीगढ़ जनपद में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसपे सभी पे अब पूरी तरह से सभी तरह की मतगणना समाप्त हो गई, सुचारू ढंग से संपन्न हो गई। सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, और सभी 7 कैंडिडेट जो भी जीते प्रत्याशी हैं उनको सबको हम लोगों ने रिजल्ट भी उनको सौंप दिया है, तो पूरी तरह से हमारी मतगणना सकुशल अब संपन्न हो चुकी है। सर, टोटल राउंड कितने रहे थे और कितने बजे तक? अलग अलग विधानसभा में राउंड अलग अलग थे, लेकिन लगभग 30, 31, 32 इस तरह से राउंड थे, मैक्सिमम 35 राउंड था अतरौली में, तो वो सभी राउंड्स की मतगणना जो है समय समाप्त हो चुकी है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद ही नहीं, उनके चरणों को नमन करना चाहूँगा बार बार में, कि अलीगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कोल विधानसभा सबसे कठिन भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा मानी जाती है उत्तर प्रदेश की,
उसके बाद भी जनता ने विकास के रास्ते को चुना और जनता ने जो सांप्रदायिक शक्तियाँ उसके ऊपर सिर उठाने का प्रयास कर रही थी उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया और एकजुट एक संदेश ऐसा दिया, अलीगढ़ की जनता को केवल विकास चाहिए, अलीगढ़ की जनता को रोजगार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चाहिए, अलीगढ़ की जनता को सुशासन चाहिए, अलीगढ़ की जनता को माफिया राज मिटाने वाली सरकार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व चाहिए। जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा दोबारा भी दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं खैर की समस्त जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को दोबारा पुनः टिकट दिया और टिकट के साथ साथ खैर विधानसभा की जनता जनार्दन का हृदय से आभार और धन्यवाद कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को एक तरफा, मैं समझता हूं कि पिछली बार मैं 71,000 से वहां खैर पे जीता था जनता की मेहरबानी से और अब के जनता ने जो सर्वाधिक रिकॉर्ड था आज दिन तक 2017 में जो जीत हुई थी वो सबसे बड़ी खैर विधानसभा की जीत हुई थी, उसके बावजूद वो रिकॉर्ड भी टूटा और अब के खैर की जनता जनार्दन की कृपा से और संगठन की और पदाधिकारियों की कृपा से जो है लगभग 80,000 के आसपास 77,000 की जीत हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज उस प्रदेश में कानून का राज कानून से चलता है, आज गुंडा माफिया मवाली या तो प्रदेश की सीमा के बाहर या जेल के सीख चौक के अंदर या राम राम सत्य की यात्रा पर निकल गई। आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सिद्धांतों, उनकी नीतियों, उनकी कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के भवानुपी जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जिताने काम किया है। जो हमने क्षेत्र में विकास किए थे, जो योगी जी और मोदी जी ने जो क्षेत्र में विकास किए थे उसी विकास के आधार पर हमने वोट मांगा और जनता ने हमको लाइक किया और वोट दी, तो जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी मतलब तन मन धन से ये लड़ाया और योगी जी मोदी जी के हाथ मजबूत किए। कितने वोटों से आज जीत हुई है? मेरी करीब 26 के लगभग है, 26,000। जीत के बाद आप क्या करेंगे? जीत के बाद तो पहले भी कर रहे थे वही आज करेंगे, पब्लिक के बीच में रहना है, पब्लिक के बीच में रहेंगे और जो भी विकास कार्य जो शेष है और जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। लगभग 40,000 वोटों से हमने अतरौली विधानसभा को विजयी हासिल की और एक बार फिर से जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास जताया है और जिस तरह से 5 वर्ष तक हम सब लोगों ने आम जन के बीच में रह करके हर एक व्यक्ति की सेवा करी और समाज के अंतिम पायदान तक हम सब विकास की योजनाओं को लेके गई, ये उसी का नतीजा है कि इस कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी जहाँ पूरे प्रदेश भर ने इस तरह की स्थिति को झेला उसके बाद में भी आज प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुन करके आई है, ये कहीं ना कहीं हम सब लोग आम जन के दिल में अपनी जगह बना पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आज कमल को खिलाने का कार्य किया है। जश्न का माहौल है, सिर्फ बीजेपी नहीं सपा के भी कई प्रत्याशी जीते हैं जिन्होंने जीत के बाद अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं जनता को श्रेय दिया आने वाले समय में अपना पदभार संभालने के बाद किस तरह से काम करेंगे इस बात की जानकारी भी दी। कई बड़े प्रत्याशी रहे, कई नए प्रत्याशी भी रहे जिन्होंने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।